अस्पताल जब यहाँ प्रवेश करे थे, जब वहां से जंगल झाड़ के साफ करके खेती करे लायक होने थे, पौधा बना दिया फुलझड़ी जमीन। आज मुंडा साहब का बाद थे, मुंडा साहब जब खेती करे लायक होने थे, अपना बोला थे मुंडारी जमीन। तो हमने पास कितने प्रकार के जमीन, चार प्रकार की। वह जमीन के लायक, वह जमीन के खलिया में कैसे हो गया। ये तो हमने चार प्रकार की जमीन ली, हमने करोगे घुमंतू खेती। घुमंतू खेती का मतलब हुआ जंगल जंगल झाड़ करो लिए तो खाद का विस्तार फैलना, यहाँ खेती कर लियो, खेती के पीछे ले लियो दोसर, फिर वहाँ जंगल झाड़ के साफ कर लियो, फिर वहाँ बस लियो और फिर चले लियो तेसर जगह, इस तरह बहते रहो। तो 1765 ईस्वी में अंग्रेज झारखंड में प्रवेश करते, कब प्रवेश करते 1765 ईस्वी में। अब 1765 में अंग्रेज तो प्रवेश करके लगे, अपने यहाँ की लालच थी, लूटे खाते कमाए खाते अलग थे ना। तो झारखंड में एक अपने कमाई के सबसे पहला स्रोत ये देखल थे कि देखल थे जमीन, और जमीन के अपने अस्थाई बंदोबस्त करते थे। कब 1793 ईस्वी में, तगर यहाँ के गवर्नर जनरल के हैं लॉर्ड कार्नवालिस, वो सर्वे कर लेंगे और उस जमीन के पट्टा जो है कतरा कलर के पता है बाहरी दीपू सब के। दीपू के मतलब क्या हो, केर झारखंडी, ये झारखंड के नाम लगो और हमने अपन भाषा में की बोले दीपू, वो दीपू सब के बदल कर। अब हमें बता, हम तरा कर लिए, हम हार जो कर लिए अपन खेत में और हमारे पट्टा को ककर दोसर के हाथ में दे देते, हम विरोध करबे कि नहीं करबे ना। तो है झगड़ा है 1793 में जो पट्टा दे देते तो झारखंड में सबसे ज्यादा विद्रोह होने वाला, सबसे ज्यादा विद्रोह इतिहास में। तो जो मुगल के तरह इतिहास में जीतो और राणा महाराणा प्रताप के इतिहास में जीतो, मेरे के इतिहास में जीतो, लेकिन झारखंड के इतिहास ना मिलतो, कहे कि हमने अपना पढ़ा लिखा लोग ना है, हमने अपने इतिहास ना लिखे पाए। से कहा पूरा भारत में लगभग 150 लड़ाइयां हमने लड़ी, 150 हमने विद्रोह किया, क्यों, केवल और केवल जमीन के लिए, क्योंकि जमीन जो है हमने माई लगे, माटी ही हमने के माई लगे। जब इतना विद्रोह होने लगे और टोटल बड़ा बड़ा लड़ाई कम से कम 15 गोल हुई 1793 के बाद। पहला कौन विद्रोह 1832 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1856 ईस्वी में, बिरसा मुंडा के विद्रोह 1900 ईस्वी में। इतना विद्रोह होने लगे केवल और केवल जमीन के कारण, क्योंकि हमी के पट्टा दे रहा था जमींदार के हाथ में और जमींदार हमने से की लग रहा लगान, लगान वसूले लग रहा, कह लग रहा कि अगर से 1 रुपया तौर से लो, 25 रुपये जमींदार रख लो और 75 रुपया अंग्रेज के दोनों 75 पैसा, इस तरह से लेके लगान वसूले लग रहा। तो जब विद्रोह होने लग रहा तो मुंडा विद्रोह के बाद अंग्रेज के दो कमेटी बैठ गए और कमेटी कहले के आखिर अंग्रेज से पूछा फिर उस कमेटी से कि आखिर हम लोग पूरा भारत पर राज कर रहे हैं लेकिन झारखंड एक ऐसा भूमि क्यों है कि इतना विद्रोह होता। तब कमेटी से यहाँ के लोग अर्थ कहते सुनिए ना सर, झारखंड के ले लोग भी अर्थ ओपर माटी के माई के समान मानो थो और अगर ओपर माई के छड़ में तो कोना में छोड़ दो सबसे रीजन यह है। तो ओकरा कहले कि इनकी माटी जो है इनकी माटी को सुरक्षित कर दिया जाए और इनकी जमीन को सुरक्षित कर दीजिए, विद्रोह अपने आप शांत हो जाएगा। तो पहला विद्रोह हम लोग कब करा, पहला जो सर्वे है कब प्रारंभ होता है 1902 ईस्वी में, याद रखिएगा 1902 ईस्वी में, और खत्म होता है 1905 ईस्वी में, और लागू होता है 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। सर्वे कौन कराता है, जेएच हॉफमैन, और वो कानून क्या बनता है, छोटा नागपुर तस्करी अधिनियम। कौन कानून, छोटा नागपुर तस्करी अधिनियम, और छोटा नागपुर तस्करी अधिनियम का पहला पैराग्राफ कहता है कि इसका जो मेन मकसद है वो बाहरी लोगों को यहाँ के जमीन को हस्तांतरण को रोकना और बाहरी लोगों को यहाँ के जमीन को खरीदने से रोकना, और उसका 1846 का क्या कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासी को जमीन बेच सकता है लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। मान लीजिए कोई बुढ़वा स्वर्ण है निमियागढ़ थाना का और वो चाहेगा कि मंगरा स्वर्ण को हम बेचे, नहीं बेच सकता, कहे नहीं बेच सकता है, उसी थाना का होना चाहिए इसलिए नहीं बेच सकता। और उसका 46 का खा कहता है कि अगर मोतीलाल महतो है और अगर जयराम महतो
भेज सकता, क्यों? क्योंकि हम सेम जिला का नहीं है, दोनों अलग अलग जिला का है। ओबीसी है तो ओबीसी को ही जमीन भेज सकता है, लेकिन उसी जिला का होना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं भेज सकते। जब हम लोग नहीं खरीद सकते जमीन, जो झारखंडी है जब अपना जमीन खुद नहीं खरीद सकते, तो ये आरा छपरा बलिया वाले कैसे खरीदते? गलत है कि नहीं? गलत है कि नहीं? वो है कर रहा है। दूसरा सर्वहारा 1932 ईस्वी में, तीसरा सर्वहारा 1954 ईस्वी में, चौथा सर्वहारा 1964 ईस्वी में। तो क्या बचा रहे हलो? चार गो तो ना बढ़ पाऊ तो पढ़ना जाए, चार गो बल चार गो सर्व मिलो। अब हमने मांग करो 1932 के, अच्छा हमने 1932 के मांग ही कहे करो, 1908 के मांग कहे करी, जबकि पुराना सर्व 1908 में मिल लो, कुछ तो लॉजिक है ना? तो अगर मैं लॉजिक हो 1932 का परफेक्ट सर्वे हो, और 1932 के सर्वे जो है वो झारखंड के 85% इलाका में मिला, कितना में? 85%। एक खाली पश्चिमी सिंहभूम छूटा था, कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम, उस सर्वे वाला 1964। तो आप कभी भैया हमने 1932 मांग करे तो हमने देखे, तो हम कहियो कि तो चारों सर्वे लागू कर, जहां 1908 में वाला 1908 लागू कर, जहां 1932 का वाला 32 में शामिल कर, जहां 1954 में वाला 54 में शामिल कर, जहां 1964 में वाला 54 शामिल कर। लेकिन स्थानीय बल पर कतर आधार पर खदियान के आधार पर है तक लड़ाई लड़ा, तो 1932 के खदियान हमने इसलिए मांग कर लिया, और 1932 के खदियान इसलिए LIC में को नारा है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, इसलिए नारा दलिए 1932 का खदियान लागू कर लो, ये हमने लड़ाया। अब खदियान से फायदा की हो तो इधर जाकर